नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से Excel में एम्प्लॉई डेटा बेस कैसे आप तैयार कर सकते हैं, और साथ में आपको इसका मेंटेनेंस भी बताएंगे, आप कैसे मेंटेनेंस कर सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे एक डेटा है और इसमें देखिए ऊपर एम्प्लॉई डेटा बेस लिखा हुआ है और ये ईयर्स लिखा है, तो ईयर्स आप कोई सा भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके से यहाँ पे डेटा डाला हुआ है। अब ये कैसे एक्सेल में एंट्री करेंगे इस चीज़ की, तो इसके बारे में आज आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं अपने एक्सेल के, जो हमारा एक्सेल का सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन, उस पर। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेल का ये एप्लीकेशन, इसको हम ओपन करते हैं। दोस्तों इजी बहुत स्टेप होता है इसका डेटा एंट्री का। यहाँ पे आपको ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा। अब दोस्तों सबसे पहले आपको इसको जूम इन और जूम आउट आपको बता देते हैं। कंट्रोल और स्क्रॉल बटन आप दबाएंगे तो इसे जूम इन और जूम आउट आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे इतना करने के बाद सबसे पहले आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आपका जो डेटा है उसका रेंज कितना है। जैसा कि आपको दिखाते हैं, जैसा कि यहाँ पे एक डेटा, दो, तीन, चार, पाँच, यहाँ पे यानी हमारे पांच कॉलम है। आपको ये पांच कॉलम रेडी करना है क्योंकि ये जो आप हेडर बनाएंगे ये पांच कॉलम के अंदर ही रहेगा। उसके बाद आपको रो भी याद रखना है, यानी कितने रो हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, यहाँ पे 10, 11 यहाँ पे आपके रो हैं। तो यहाँ पे हम उसी तरीके से बनाते हैं। तो चलते हैं एक्सेल पे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कितने कॉलम थे, यहाँ पे हमारे कॉलम थे 5, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो इसके लिए आपको इस तरीके से ड्रैग कर लेना 1, 2, 3, 4, 5। इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि नीचे इस तरीके से आपको सिलेक्ट कर ड्रैग कर देना है आपका जितना डेटा है। मान लीजिए हमें इतना ड्रैग करना है, इतना सिलेक्ट करिए, और इतना करने के बाद आप यहाँ पे आइए बॉटम बॉर्डर में, इस पर क्लिक कर आप ऑल बॉर्डर सिलेक्ट कर लीजिए। इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि ये जो ऊपर वाला यहाँ पे रो है इसको आपको इस तरीके से पांचों को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मर्ज एंड सेंटर, इस पर आपको कर देना है क्लिक। उसके बाद यहाँ पे भी आप ये वाला बॉर्डर लगाइए, टिक बॉक्स बॉर्डर, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए यहाँ पे, जैसा कि देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको इस पर डबल क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले हेडर बनाना है, तो यहाँ पे हम हेडर बना लेते हैं एम्प्लॉई। यहाँ पे इजी तरीके से आपको टाइप करना है एम्प्लॉई, जैसा कि यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं एम्प्लॉई डेटाबेस, इस तरीके से आपको कर लेना है डेटाबेस। यहाँ पे दोस्तों हो गया। और यहाँ पे आपको ईयर्स दे देना है, किस ईयर का है, तो हमारा 2023 का है। यहाँ पे हो गया। इतना करने के बाद दोस्तों आपको बाहर क्लिक कर फिर इस पर क्लिक करना है। यहाँ से इसको ऊपर अलाइनमेंट कर लीजिए, यहाँ से आप इसको थोड़ा से साइज को इंक्रीज कर लीजिए, और यहाँ पे कलर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम कलर अप्लाई कर देते हैं, आप जैसा चाहे वैसा कलर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बोल्ड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको आना है दो नंबर वाले यहाँ पे रो पे। उसके बाद यहाँ पे हम डेटा इनपुट करने वाले हैं, कौन कौन से हमारे यहाँ पे हेडर के अंदर जो नेम होगा, कौन कौन से नेम होंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला नेम होगा एम्प्लॉई आईडी, यानी जो हमारे एम्प्लॉई काम कर रहे हैं उनकी आईडी होगा, जिसके माध्यम से हम उनको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया एम्प्लॉई, और यहाँ पे हम दे देते हैं आईडी, जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं आईडी हो गया। उसके बाद आपको बाहर क्लिक करना है। अगर ये दूसरे कॉलम में जा रहा है तो आप इसको इस तरीके से आप बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगले कॉलम में हम लिखेंगे फर्स्ट नेम, यानी जो भी हमारे एम्प्लॉई काम कर रहे हैं उनका नेम। ये तो हो गया, आईडी अलग चीज़ होते हैं, नेम अलग होता है। उसके बाद इसको भी हम थोड़ा से बड़ा कर देते हैं। लास्ट नेम भी यहाँ पे इजी तरीके से हम टाइप कर देते हैं, लास्ट नेम यानी कि जो भी टाइटल कास्ट का है वो यहाँ पे हम डाल देते हैं। उसके बाद इसको भी एडजस्टमेंट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिस्टिनेशन में यानी उनका पद क्या है, यहाँ पे पद भी हम डाल देते हैं। तो इजी तरीके से यहाँ पे हम पद जो है उनका इजी तरीके से आप डाल सकते हैं, और आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या डालना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में हमारा आता है सैलरी। ये देखिए सबसे नॉर्मल हम डेटा एंट्री कर रहे हैं एक्सेल में। अगर आपको नहीं आता है डेटा एंट्री करना तो ये सबसे बेसिक तरीका है डेटा एंट्री करने का। इतना करने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है,
उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से अलाइनमेंट कर दीजिए। उसके बाद अलाइनमेंट करने के बाद इसको बोल्ड कर दीजिए, और बोल्ड करने के बाद दोस्तों इसको हल्का सा आपको कलर फिल कर देना है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे हम डालने वाले हैं एम्प्लॉय आईडी, यानी जो हमारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी आईडी क्या है। तो हम नॉर्मल बना लेते हैं, जैसे SCI01, ये देखिए इनकी आईडी है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, या यहाँ पे एक और जीरो बढ़ा देते हैं। बस आप इसको इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, इस तरीके से कुछ जैसा कि हम कर दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद इसको भी हम यहाँ से अलाइनमेंट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है फर्स्ट नेम, यानी जो भी यहाँ इम्प्लॉय काम कर रहे हैं इसमें आपको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम डालना है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम डाल लेते हैं सुमित, और यहाँ पे हम लास्ट नेम में डाल लेते हैं मौर्य। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, इसी तरीके से आपको यहाँ पे जितने हैं आप इसी तरीके से इंटर कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्रॉपर तरीके से नेम यहाँ पे ऐड हो गया है, फर्स्ट नेम एंड यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यहाँ पे ऐड हो गया है। इसको भी हम इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको अलाइनमेंट यहाँ पे सेट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक बार और बॉर्डर को अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा प्रॉपर तरीके से हो गया है। अब यहाँ पे उनका जो पद है, यहाँ पे हम पद यहाँ पे इसी तरीके से दे देते हैं, जो भी इनके पद हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पद है सबसे पहले यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इतना हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया है। जो भी है आप यहाँ पे जो भी इनपुट करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसको भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर अलाइनमेंट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सैलरी आपको दे देना है, जैसे जो भी कैंडिडेट का सैलरी हो। यहाँ पे मान लीजिए हम सैलरी 20,000 से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इंटर करते हैं। दोस्तों अगर इसमें आप जीरो बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप जीरो ऐड कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ से आप इजी तरीके से जीरो को बढ़ा सकते हैं, जो भी यहाँ पे वैल्यू है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा 20,000 हो गया। जैसे इस तरीके से सिंबल अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से जाकर इसका फॉर्मेटिंग आप करेंसी का कर सकते हैं। अब दोस्तों आप इसी तरीके से आप अलग अलग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे है। तो आप इसको इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, जैसा कि देख सकते हैं। यहाँ पे आप वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम 5,000 कर देते हैं, यहाँ पे हम 3,000 कर देते हैं, यहाँ पे हम 2,000 कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम 1,000 कर देते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से हमारा रेडी हो गया है। अगर दोस्तों इसका आप टोटल करना चाहते हैं तो यहाँ से आपका टोटल भी हो जाएगा। यहाँ पे आप टोटल कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम टोटल का एक साइन लगा देते हैं यहाँ पे, जैसा कि हमारा टोटल हो गया। तो यहाँ पे हमारा टोटल हो गया, इसको भी हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देते हैं, और इसको भी हम बोल्ड कर थोड़ा सा कलर इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, जो भी कलर वगैरह है यहाँ पे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे टोटल कर दिया है। उसके बाद इसका टोटल निकालना है तो आपको लिखना है इक्वल, और यहाँ पे सम का फार्मूला लगाना है। इस तरीके से आपको ब्रैकेट ओपन करना है, इन सबको सिलेक्ट करना है एंड ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर हिट कर देंगे तो आपका टोटल जो अमाउंट है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। सिलेक्ट करके आप हल्का सा यहाँ पे ग्रीन में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रोसेस होता है आपका इजी तरीके से आपका यहाँ पे एम्प्लॉय का डेटा बनाने में। देखिए कितना इजी स्टेप है एम्प्लॉय का डेटा बनाने के लिए दोस्तों। तो आप इस तरीके से आप एम्प्लॉय डेटा बना सकते हैं बिल्कुल। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इसको अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट भी इजी तरीके से कर सकते हैं। ऐसे सेलेक्ट करिए, कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे तो आप इसका इजी तरीके से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। इतना इजी स्टेप होता है। तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।